ये हैं दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले टॉप 10 जीव, उनमें से कुछ तो अमर हैं। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, बोहेड व्हेल, इनकी उम्र 200 साल से प्लस है। नोआ के मुताबिक 100 साल तो ये आराम से जी लेते हैं। इनके शरीर में एक जीन होता है जिसे ERCC1 कहते हैं। ये जीन शरीर में खराब हो रहे डीएनए को सुधारता है, इसलिए इन मछलियों में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती। दूसरा एक जीन होता है जिसे कहते हैं PCNA। ये जीन पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाता रहता है। रोजाई रॉकफिश सबसे ज्यादा जीने वाली मछलियों में से एक है। वॉशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये कम से कम 205 साल तक जिंदा रह सकती है। गुलाबी भूरे रंग की ये मछली प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया में से लेकर जापान तक पाई जाती है। फ्रेश वाटर पेरल मसल्स, उम्र 250 साल से ज्यादा। ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने को बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। ये आमतौर पर नदियों और धाराओं में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेश वाटर पर्ल मेल्स 280 साल का है। ये इतना ज्यादा दिन इसलिए जीता है क्योंकि इसकी पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है। ग्रीनलैंड शार्क, उम्र 272 साल से प्लस। ये 24 फीट तक लंबी हो सकती है। कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती हैं। साइंस जर्नल के मुताबिक 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इनकी औसत उम्र 272 साल की होती है, जबकि इससे ज्यादा जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 साल है। ट्यूब वार्म, उम्र 300 साल से प्लस। 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल के प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में ट्यूब वार्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से जीवित थी, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो 300 साल से ज्यादा जिंदा रहती हैं। ओशियन क्यूहॉग कैलम, उम्र 500 साल से प्लस। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाया जाने वाला ये जीव अपने जैसी अन्य प्रजातियों की तुलना में बेहद ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर साल 2006 में एक ओशियन क्यूहॉग कैलम मिला था और जिसकी उम्र 507 साल थी। ब्लैक कर्ल, उम्र 4000 साल से प्लस। ये ब्लैक कर्ल बेहद रंग बिरंगे सुंदर से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। इनकी कई बार तो ये पेड़ पौधों की तरह गहराई में हुए भी दिख जाते हैं। असल में ये लहराते हुए कर्ल पॉलिक्स कहे जाते हैं। ये अपने जैसे जेनेटिक कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे पॉलिप्स एक ही जेनेटिक सेक्स में मिलकर जुटते हैं तो कोरल बना लेते हैं। आमतौर पर कोरल सैकड़ों साल जीते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले कोरल कहे जाते हैं। अभी तक हवाई के तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला था जिसकी उम्र 4265 साल बताई गई थी। ग्लास स्पॉन्ज, उम्र 10000 साल से ज्यादा। आमतौर पर ये कई जीवों की एक कॉलोनी होती है। जैसे कोरल होते हैं, ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले स्पंज में से एक है। नोआ के मुताबिक ये समुद्र में काफी गहराई में भी रहते हैं और आम गहराई में भी इनका भी परमांडीय जैसा ढांचा होता है। साल 2012 में
कैलिमक जियोलिक्स जर्नल की प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है। हो सकता है इससे ज्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हों। टोरिटोप्सिस डॉल्नी को अमर जेलीफिश कहा जाता है। ये लार्वा की तरह जीवित की शुरुआत करता है। इसके बाद ये समुद्री तलहाटी में खुद को टिका लेते हैं और पॉलिप्स बनाने लग जाते हैं। इसके बाद ये पॉलिप्स मेडूसास या जेलीफिश को आजाद करते हैं ताकि वो समुद्र में तैरना शुरू कर सके। अमेरिकन म्यूजिक ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक ये वायरस आपस पॉलिप्स बनने की क्षमता रखता है। अगर इसे कोई नुकसान पहुंचता है या फिर खाना नहीं मिलता तो यह आपस पॉलिप्स की श्रेणी में आ जाता है। जरूरत पड़ने पर वापस जेलीफिश बन जाता है। ये अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट कर सकता है। इसका आकार 4.5 मिलीमीटर का होता है। अगर इन्हें मछलियां ना खाए तो ये कभी नहीं मरते। हैदरा बेहद छोटे नाजुक जीव होते हैं। इनका शरीर बेहद नरम होता है। कई बार तो ये जेलीफिश जैसे दिखते हैं। हाइड्रा एक ना मरने वाला अमर जीव होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक बीमारियां का नुकसान नहीं दिखाते हैं। आमतौर पर स्टेट पर कल से बने होते हैं जो लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं, या यूं कहें कि यू टर्न।